मध्य प्रदेश में बाढ़ के बिगड़ते हालातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की आपात बैठक ली। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से ग्वालियर चंबल के 1,171 गांव प्रभावित हैं। शिवपुरी और श्योपुर में 800 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं सीएम ने कहा कि वे कल से ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं। एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बचाव दल को बुला लिया गया है और अब तक 1600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 200 गांव अभी घिरे हुए हैं। बोट ऑपरेशन और राहत बचाव जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी सभी कलेक्टर और रेस्क्यू से जुड़े अधिकारियों से चर्चा हुई है। मनीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए हैं। प्रभावित गांवों को सतर्क किया गया था। लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजकर सुरक्षित किया गया। राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था की गई है। शिवपुरी में कंट्रोल रूम से महेंद्र सिंह सिसोदिया और यशोधरा राजे नजर बनाए हुए हैं। वे खुद भी जल्द बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जाएंगे। इस दौरान बैठक में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1,171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांव में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। 8 मील तक गए भी लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1,600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है। सेना बुला ली गई है। कुल मिलाकर लगभग 200 गांव घिरे हैं। शिवपुरी जिले के बीची गांव में 3 लोग पेड़ पे बैठे हुए हैं। उनको ढाढ़स बंधाने के असंभव प्रयास हो रहे हैं लेकिन दूर दूर तक वहां पानी है। बहाव के कारण बोट नहीं जा पा रही है। एयरफोर्स ही वहां रेस्क्यू करेगी। सेहरावत जी से जो इस रेस्क्यू ऑफिसर को देख रहे हैं मेरी सीधी चर्चा हुई है। अभी सारे कलेक्टर से मैंने सीधे बात की है। कलेक्टर शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, श्योपुर हम सबके संपर्क में है। मणिखेड़ा डैम से डैम पूरा भर जाने के कारण पानी छोड़ा गया जिसे जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रभावित हो सकने वाले गांव में सतर्क कर दिया गया है।
लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। गांव में ही जो गांव घिरे वहां ऊंचे स्थान पर रहे लोग, और राहत की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। केवल ये पेड़ पे और एक मंदिर की छत पर पुजारी जी वगैरह है उनकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित हैं गांव में। राहत के शिविर, भोजन का इंतजाम, इस सब के निर्देश दे दिए गए। निचले इलाके जो अभी जहां प्रभावित होने की संभावना है पानी छोड़ने के कारण मणिखेड़ा से और भारी बारिश के कारण, उनको सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है, मैं लगातार कल से संपर्क में हूं। शिवपुरी में घटना स्थल पर, शिवपुरी में कंट्रोल रूम में हमारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी और वहां के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगातार राहत के कामों को वहां से दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, राजस्व मंत्री और जल संसाधन मंत्री, तीनों मंत्री भी लगातार संपर्क में। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे चिंता ना करें, आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए, बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। मणिखेड़ा से भी पहले 12,500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब 10,500 छोड़ रहे, कम कर दिया गया है। बारिश का वेग भी थोड़ा कम हुआ है, मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेंगे। मैंने भी सवेरे निकलने की यहां से कोशिश की, लेकिन खराब मौसम के कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत जल्दी हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने की स्थिति में होंगे और जो लोग फंसे हैं उनको हम सुरक्षित निकाल लेंगे। हर पल हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं।